विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक और समर्थक मिल गया है। तमाम विवादों से घिरे रहने वाले डेरा सच्चा सौदा ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में उसका समर्थन बीजेपी को है। डेरे के राजनीतिक विंग की 3 दिन तक चली बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि हरियाणा में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डेरे के कामकाज की खासी तारीफ की थी। डेरा सच्चा सौदा, जिसके प्रमुख हैं गुरमीत राम रहीम। चुनाव में तमाम सियासी दल इस बात के लिए तरसते रहते हैं कि डेरा अपने राजनीतिक रुझान का उनके पक्ष में ऐलान करे, ताकि उसके लाखों समर्थकों का वोट उन्हें मिल सके। तो अब जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव में मतदान होना है, तो डेरा का ऐलान बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी लाया है। हरियाणा के सिरसा में मौजूद डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय ने ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव में उसके समर्थक बीजेपी का समर्थन करेंगे। डेरा का दावा है कि सिर्फ हरियाणा में ही उसके 60 लाख से ज्यादा समर्थक हैं। वहीं डेरा के मुताबिक महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी उसके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और सभी एकता के साथ एकजुट होकर ही, जैसा कि हमें बीजेपी का समर्थन करें, उसमें सभी मिलकर एकजुट होकर ही बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो बीजेपी को खुश होने की एक और वजह मिल गई है। डेरा समर्थक अब उसके लिए घर घर घूमकर वोट मांगेंगे। डेरा सच्चा सौदा का दावा है कि उनकी तरफ से ये फैसला समर्थकों से राय लेने के बाद लिया गया है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से अलग अलग पार्टियों के नेता डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय के चक्कर लगा रहे थे। इसमें बीजेपी के हरियाणा चुनाव के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। और तो और, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिरसा में चुनावी रैली करने आए, तो उन्होंने भी डेरा सच्चा सौदा की खूब तारीफ की। डेरा सच्चा सौदा का कहना है कि उनके समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से बेहद प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी के समर्थन का फैसला किया है। डेरा पहले भी अपने राजनीतिक रुझान का ऐलान करता रहा है। वैसे डेरा पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब उसके प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने गुरु गोविंद सिंह की वेशभूषा पहनी थी। सिखों ने इस पर आपत्ति जताई थी। राम रहीम और भी कई विवादों में रहे हैं, हालांकि उनके अनुयायी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में काफी तादाद में है। हरियाणा में अगर कांग्रेस ने अलग एसजीपीसी बनाकर सिख वोटर्स को रिझाने की कोशिश की, तो बीजेपी ने भी डेरे का समर्थन लेकर तुरुप का पत्ता खेल दिया है। बहरहाल ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि इन दोनों पार्टियों की इस पैंतरेबाजी का किस पार्टी को कितना फायदा मिलता है। सिरसा में सतनाम सिंह के साथ अमित चौधरी, चंडीगढ़, आई बी एन 7।